फ्रेंड्स, बचपन से ही हम अनेकों प्रकार के विषयों को सीखने का प्रयास करते हैं, जिसमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, बायो अनेकों विषय होते हैं। आज हम इंग्लिश भाषा की बात करेंगे। इंग्लिश भाषा में अगर कोई चीज़ कठिनाई पूर्ण है वो ग्रामर है, लेकिन अगर हम सीखने का संकल्प ले लेते हैं तो इंग्लिश ग्रामर भी बहुत आसान है। हम परिभाषाओं की ओर नहीं जाएंगे और न ही उन उदाहरणों की ओर जाएंगे जो हम क्लास सिक्स से लेकर ट्वेल्थ तक पढ़ते रहते हैं। हम केवल ये कोशिश करेंगे कि इंग्लिश भाषा में व्याकरण का क्या योगदान है, उसको ध्यान में रखते हुए सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच एक पूरी तरह से चैप्टर तैयार किया गया है। इसमें हम पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज के रूप में, यानी कि भाषा के अंग के रूप में, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शंस और आर्टिकल को जानने का प्रयास करें। यहाँ पर नाउन के अंतर्गत काइंड्स ऑफ नाउन ये पहला चैप्टर आएगा। उसके बाद नंबर, जेंडर, फंक्शंस एंड रिलेशंस को हम सीखने की कोशिश करेंगे। आज सबसे पहले काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में हम प्रोप्रोनाउन को पढ़ेंगे। प्रोप्रोनाउन क्या है? ए यूनिक पर्सन, प्लेस और थिंग इज ए प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन वो है जो इस दुनिया में अकेला है, उसके जैसा दूसरा नहीं है। इसमें आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, आपके परिवार का कोई सदस्य भी हो सकता है, आप कोई फ्रेंड भी हो सकता है, यानी कि उनका एक नाम और उस नाम के साथ जो व्यक्ति जुड़ा हुआ है उसकी जो विशेषता है वो अपने आप में यूनिक है, इसलिए वह प्रॉपर नाउन है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके जैसा दूसरा है ऐसा असंभव है, इसलिए हम इसे यूनिक पर्सन, प्लेस और थिंग के रूप में जानते हैं। और दूसरी जो बात है, ये दुनिया में एक ही होता है, प्रॉपर नाउन इज ओनली वन इन द वर्ल्ड, इसके जैसा दूसरा नहीं है, ये बात मैं बार बार दोहरा रहा हूँ। दूसरी बात, लिविंग पर्सन आर नॉट यूज्ड विद ए एंड द, यानी कि जो सजीव पर्सन है, आप हैं, हम हैं, इनके साथ कभी भी ए एंड द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स जो चीज़ें होती हैं, ताजमहल है, गंगा है, यमुना है, हिमालय है, इसको हम अगर किसी टाइटल के रूप में देखते हैं, किसी आर्टिकल का टाइटल बनाने की कोशिश करते हैं या किसी ऐसे को लिखते हैं उसका एक टाइटल तैयार करते हैं या कोई लेसन है उसका कोई टाइटल तैयार करते हैं, तब हम उनके साथ ए एंड द का प्रयोग कर सकते हैं। थर्ड, स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर्स। प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखना चाहिए, स्मॉल लेटर से नहीं। जैसे कि हमने यहाँ पर पर्सन कुछ व्यक्तियों के नाम लिखे, मुकेश, मीनू, निखिल, सुमन और कुछ स्थानों के नाम, प्लेसेज हैं यहाँ पर, कानपुर है, शामली है, सहारनपुर है, कुछ बुक्स हैं यहाँ पर, रामायण है, गीता है, महाभारत है, कुरान है, बाइबल है, वो सभी धार्मिक पुस्तकें आ जाती हैं, वो अपने आप में एक हैं, यूनिक हैं, उनके जैसी दूसरी नहीं है। बिल्डिंग्स हैं, ताजमहल है, कीर्ति स्तंभ है, रेड फोर्ट है और जितनी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती हैं वो सब इसके अंतर्गत आती हैं। रिलीजन्स हैं हमारे, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, तो सभी को हम प्रॉपर नाउन के अंतर्गत देखते हैं। इसके अतिरिक्त प्रॉपर नाउन में हमारे स्टेट्स आते हैं, सी आते हैं, स्टार्स आते हैं, आपके मैगजीन्स आती हैं, न्यूज़पेपर्स आते हैं, स्ट्रीट्स आती हैं, आपका जो एड्रेस होता है उसमें स्ट्रीट है, होम नंबर है, आपका लोकेलिटी है, डिस्ट्रिक्ट है, ये सभी कैपिटल लेटर से ही लिखे जाते हैं। किसी इंस्टीट्यूट का कोई फर्स्ट पर्सन, यानी कि वहाँ का जो रेस्पेक्टेबल पर्सन होता है, वह मैनेजर हो सकता है, प्रिंसिपल हो सकता है, उनके पहले अक्षर को हम हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखें। और ठीक इसी तरह से हम अगर ये कहें कि एक प्रॉपर नाउन को हम कॉमन नाउन कब मान सकते हैं, जब हम उन दोनों के गुणों को समान मानते हैं। मिल्टन वाज ब्लाइंड, सूरदास वाज ब्लाइंड, सूरदास रोट सुरसागर, मिल्टन रोट पैराडाइज लॉस्ट। तो क्वालिटी के आधार पर सूरदास और मिल्टन एक ही हैं। यहाँ पर हम सूरदास की क्वालिटी को और मिल्टन की क्वालिटी को कंपेयर कर रहे हैं, तब हम इसको कॉमन नाउन मानते हुए डा का प्रयोग करेंगे।
यहाँ इस नीचे के उदाहरण में भी शेक्सपियर इज ए कालिदास ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड में कालिदास की तुलना शेक्सपियर से की जाती है, भारत में मिल्टन की तुलना सूरदास से की जाती है। तो यहाँ पर हम इनको व्यक्ति न मानकर कॉमन नाउन मानेंगे, इनकी क्वालिटी की कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर हम मिल्टन के साथ दा और कालिदास के साथ ए का प्रयोग कर रहे हैं, इनको कॉमन नाउन मानते हुए, न कि प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट स्टेप हमारा कॉमन नाउन का होगा, उसमें हम इसके विपरीत गुणों को जानने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।